भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत विभाग है। डीएसटी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के साथ देश को अग्रणी राष्ट्रों की सूची में पहुंचाने का कार्य किया है। साल 2022 भी वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर महत्वपूर्ण साल रहा। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बीते साल 40वां स्थान हासिल किया। वहीं एनएसएफ डेटाबेस के मुताबिक वैज्ञानिक प्रकाशनों और स्टार्टअप की संख्या के लिहाज से भारत शीर्ष 3 देशों में बना रहा। डीएसटी द्वारा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रगति के अलावा अन्य उपलब्धियों की बात करें तो साल 2022 में देश के 5 संस्थानों आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी त्रिची, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मंडी में उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर स्थापित किए गए। ग्लोबल विलेज को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे न रहे विषय पर हैदराबाद में 10 से 14 अक्टूबर 2022 तक दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक की मदद से मैपिंग और गांवों के सर्वे की योजना के तहत 2,00,000 से अधिक गांवों का ड्रोन से सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया। इसका मकसद गांव वालों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद करना है। 29 जनवरी 2022 की शाम बीटिंग द रिट्रीट समारोह में आसमान में 1,000 स्वदेशी ड्रोनों के झुंड ने मनमोहक आकृतियां बनाई। महिलाओं द्वारा संचालित मैसर्स बॉट लैब डायनामिक्स के ड्रोन शो ने भारत को दुनिया में 4th स्थान पर स्थापित किया और माननीय प्रधानमंत्री से सराहना भी प्राप्त की। मैसर्स स्काईशेड डेलाइट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भारत की पहली एकीकृत डे लाइटिंग प्रणाली का प्रस्ताव दिया। ये एसी लोड को भी कम कर सकता है, जिससे बदले में हमारे पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण होगा। ये दिन का प्रकाश तहखानों तक पहुंचा सकता है। डीएसटी के अधीन स्वायत्त संस्थान रामन अनुसंधान संस्थान और क्वांटम कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट कनाडा के वैज्ञानिकों ने उच्च आयामी प्रणालियों में जटिलता को मापने का एक आसान तरीका खोज निकाला है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो डीएसटी के अधीन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान की देवस्थल में स्थित 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग कर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लूटो की सतह पर उसके वायुमंडलीय दबाव की सटीक गणना की है। स्वदेशी सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए रामन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने हमारे ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जब तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं, रेडियो तरंग संकेतों की खोज के हालिया दावे का खंडन किया है। नैनो विज्ञान के क्षेत्र में आईएनएसटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार पॉलीमर नैनो कणों में पीजो इलेक्ट्रिक डेल्टा चरण नामक प्रॉपर्टी को प्रेरित करने का एक कुशल तरीका सामने रखा है। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का उपयोग कर नैनो स्केल पर मिश्र धातुओं का डिजाइन मैप विकसित किया है, जो धातुओं के जोड़े के मिलान में मदद कर सकता है, जो बाई मेटेलिक नैनो एलाइज बनाते हैं। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अध्ययन में पाया गया कि सुरु बेसिन, लद्दाख और पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर में लिटिल आइस एज के मरीन आइसोटोप स्टेजों में काफी उतार चढ़ाव आया है। ऐसे हिमनद कालक्रम
पिछले जलवायु परिवर्तनों को समझने और क्षेत्र में भविष्य के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस के शोध में कहा गया है कि पूर्वी तट के पास चिल्का और सुंदरबन और भारत के पश्चिमी तट के साथ द्वारिका और पोरबंदर में कुछ मैंग्रोव प्रजातियों के 2070 तक घटने और भूमि की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस साल जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम एक्टिव मैटर सिस्टम के ग्लासी डायनामिक्स का अध्ययन किया है। इनकी रिसर्च फिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उन्नत पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री अनुसंधान केंद्र ARCI द्वारा एक प्लेटिनम आधारित इलेक्ट्रो कैटलिस्ट विकसित किया गया है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल सेल्स में किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रो कैटलिस्ट ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रो कैटलिस्ट की तुलना में बेहतर नतीजे सामने रखे हैं। इससे फ्यूल सेल के प्रदर्शन की अवधि बढ़ सकती है। इन प्रमुख उपलब्धियों के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ध्यान केंद्रित किया। पूरे देश में DST ने आधुनिक सुविधा युक्त राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना पर जोर दिया। इसी वर्ष कई नए दिशा निर्देश और नीतियां भी तय की गईं, जिनमें नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति शामिल है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस दौरान DST ने साइंस 20 की गतिविधियों और अनुसंधान नवाचार पहल को लेकर समूहों में समन्वय की जिम्मेदारी ली है।